सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बबल प्लेस। और आज हम लोग अपने जो बचा खुचा हमारा जो भी है, हमारा किचन, हमारा बाथरूम, हमारा बेडरूम बचा हुआ है, तो आज हम बस वही सब एडिट करने वाले हैं। और आज के वीडियो में भी मैं क्लब रोब्लॉक्स खेलने वाली हाउस स्पीड बिल्ड। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, लास्ट टाइम आई थिंक यहीं तक हुआ था, तो अब गाइज मैं टाइम लैप्स पे लगा देती हूँ आपको। जैसे पिछली बार सारा सामान मिल गया, तो आपको इस बार भी सारा सामान मिल जाएगा, तो आप आराम से टाइम लैप्स एंजॉय करके देखिए। और सो गाइज, उधर जो मैंने डाइनिंग टेबल बनाया उधर बड़े लोगों के खाने का है, और अब मैं बेबी एडिशन बना रही हूँ, तो इधर छोटे बच्चों के खाने का तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो गाइज चलिए बनाते हैं। ओके सो गाइज, हमारा किचन कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं कि किचन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब मैं बाथरूम की तरफ चलती हूँ, क्योंकि वो सबसे छोटा है और बेडरूम बहुत ही सुंदर होने वाला है, इसलिए मैं उसे सबसे लास्ट में हमारा बाथरूम कंप्लीट हो गया है, तो अब हम अपने लास्ट रूम बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। If I could choose anything, I would be good in bed one day. I would fall into love and stay, fall into love. So let's start, guys. I keep on writing a sequel to stories. I know that I'm not there. I don't wanna die, but I don't wanna live like this. I just wanna feel something. I just wanna feel. I just wanna feel something. I just wanna feel something really real, so that I can really feel like a person again. ओके सो गाइज, हमारा बेडरूम हो गया है, और अब मैं आपको एक और छोटा सा टूर देने वाली हूँ। मैं आपको अपना करंट घर, जिसमें मैं डॉली बैडी, उसके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं उसके साथ रहती हूँ। तो गाइज चलिए मैं आपको वो वाला घर दिखाती हूँ। Get ready to explore.
से हो गाइस, हम लोग इस घर में आ गए हैं। सो मैं पहले आपको किचन दिखा देती हूँ। सो गाइस ये है किचन। और यहाँ पे एक पेट के लिए फूड बोल, वाटर बोल, और ये उसका पेट बेड। और यहाँ पे मेरा रोबोट वैक्यूम है जो मेरे पूरे घर को ऑटोमेटिकली साफ कर देता है। और यहाँ पे अच्छा सा प्यारा सा एक डाइनिंग टेबल है। और यहाँ पर अपने लॉन्ड्री के लिए मैंने यहाँ पर दो वॉशिंग मशीन लगाए हुए हैं। सो गाइस चलिए अब लिविंग रूम की तरफ चलते हैं। तो लिविंग रूम ये है जहाँ पर मैंने ऊपर में थोड़े हर्ट्स लगाए क्योंकि मुझे एक क्यूट सा चाहिए था। और गाइस मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो अब बाथरूम देख लेते हैं। बाथरूम भी अच्छा ही है, मैंने बस लाइट्स ऑफ करके रखी हुई है क्योंकि लाइट्स ऑन करती है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। सो ये बाथरूम है, मैंने इस घर को बेबी एडिशन नहीं बनाया है। और अब फुल एंड फाइनल बेडरूम में तो चलते हैं। बूम, ब्यूटीफुल। सो गाइस ये इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट है जो आई लव, और ये तो मेरा फेवरेट है। और डॉली बेरी का भी जो है घर, मैंने उससे इसका इंस्पिरेशन लिया है इस ड्रॉअर का। और अगर आपको ये घर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे कमेंट्स में एक और बात बताइएगा, आपको मैंने जो घर बिल्ड किया आपको वो अच्छा लगा कि ये जो घर जिसमें मैं करेंटली रह रही हूँ आपको ये घर अच्छा लगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस। और गाइज आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा कि मेरे टूर का। और तब तक मैं मिलती हूँ आपसे मेरे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।